फिर आप फोन से करो लॉगिन, बिकॉज कैमरा तो आपको स्विच ऑन करना ही पड़ेगा। द ओनली रीजन वी आर कीपिंग दीज क्लासेस ऐसे ताकि हम लोग इंटरैक्ट कर पाए। ओके, सो देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन। लक्षिता इज आस्किंग, सॉरी, श्वेतमा इज आस्किंग, ऑर्डर्ड फैक्टर्स कैन बी अरेंज, कैन बी चेंज द ऑर्डरिंग लाइक इन जनरल इट कम्स लेस दैन। नो, यू कैन नॉट चेंज इट टू ग्रेटर दैन। इट विल ऑलवेज बी इन लेस दैन फॉर्म। एंड एनीवेज, ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं, एक बार हमेशा याद रखना दैट देर इज सम रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, देर आर समथिंग विच यू कांट चेंज। जस्ट लाइक श्वेतमा इज आस्किंग कि इन ऑर्डर्ड फैक्टर्स लेस दैन का साइन होता है इन केस ऑफ लेवल्स। कैन वी चेंज इट टू ग्रेटर दैन? नो, वी कैनॉट चेंज इट टू ग्रेटर दैन। एंड ऑब्वियसली इट विल मेक नो डिफरेंस अगर आप लेस देन रखो या ग्रेटर देन रखो, जस्ट द ऑर्डरिंग विल चेंज। अगर हम बोल रहे हैं ए लेस देन बी या फिर हम बोले बी ग्रेटर देन ए, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, तो ये चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट वी कैन डिस्कस, अभी तक आपको अगर जितने भी डाउट्स हैं, यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स, यू ऑल कैन रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू टू स्पीक, अगर आपको टाइप नहीं करना। एंड फर्स्ट 15 मिनट्स, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। एम आई विजिबल नाउ देवांश? ढूंढना पड़ेगा मुझे देवांश कहाँ हो। यस, यू आर विजिबल। हाँ नो मोर डाउट्स। किसी ने कोई टास्क नहीं करा फर्स्ट क्लास के, देन वेक्टर्स के, फैक्टर्स के, सबका मैंने टास्क दिया था। आई होप सबने करा है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो द नेक्स्ट इज निधि इज आस्किंग मैम वेयर आर द आंसर्स अपलोडेड। निधि, ड्राइव पे आई हैव अपलोडेड ऑल द सॉल्यूशंस अभी तक का। इफ यू विल चेक, उसमें क्लास 1 सॉल्यूशन, क्लास 2 सॉल्यूशंस आर स्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं, तो वो आपको आर स्क्रिप्ट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। एंड हाउ डू यू ओपन अ आर स्क्रिप्ट, वो मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कराया था। सो दैट वे यू कैन जस्ट गेट द सॉल्यूशन। आई विल शो यू अगेन कैसे करते हैं वो चीज अभी। Could you solve question 2 of last task? Yes, I will do that. Question 4 under vectors, question 4 under vectors. ठीक है, सब ये पूछ रहे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट ओपन माय आर स्टूडियो। नो, वी विल नॉट डिस्कस द आंसर्स बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द सॉल्यूशन, सो इट्स नो पॉइंट डिस्कसिंग द एंटायर थिंग। आप उसको खाली, सो आर यू टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स और आर यू टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, विच पार्ट? नो, मुस्कान वेक्टर्स का क्वेश्चन 4। ओके, लास्ट टास्क हमारा फैक्टर्स था ना? ठीक है, रुक जाओ, आई जस्ट ओपन माई पीपीटी ऑल्सो। ओके, तो निवारी, शी हैज दिस डाउट। एक बार प्लीज अनम्यूट करके मुझे बताना। यस मैम, हाँ, आपको वेक्टर्स में डाउट है कि फैक्टर्स के असाइनमेंट में डाउट है? फैक्टर्स का वो लास्ट स्लाइड पे जो टास्क था उसका क्वेश्चन 2। अच्छा, वेट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट यस ओपन मैम। फैक्टर्स का। ओके, आई होप अभी विजिबल है मेरा स्क्रीन। हाँ, सो इसमें लास्ट क्वेश्चन पेस्ट वाला। ओके, नहीं मैम, द सेकेंड वन। तो यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट ऑर्डर्ड फैक्टर्स।
रिजल्ट्स, ये पूरा जाएगा उसमें. एंड ए इज टेकन एज एक्सलेंट, ई इज टेकन, नहीं, लेबल द ग्रेड्स ए टू ई एज एक्सलेंट, गुड, एवरेज. तो यहाँ पे ए इज एक्सलेंट, बी इज गुड, एंड वैसे करके है पूरा. तो यूज अ कमांड इन आर टू चेक दैट द सेकेंड स्टूडेंट परफॉर्म्ड बेटर दैन द फिफ्थ स्टूडेंट. तो ये हमने जो कल किया था ना, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड फैक्टर, ये वो है. देन यू रिजल्ट एंड देन यू यूज इंडेक्सिंग वाला ब्रैकेट टू ग्रेटर दैन फिफ्थ वाला. देखो मैं दिखा रही हूँ सोल्यूशन, ऐसे होगा ये. एंड अगर ये ट्रू आ रहे, विच मीन्स दैट सेकेंड स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग बेटर दैन द फिफ्थ वन, या फिर वाइस वर्सा. क्या रही ये चीज, सबने ऐसे ही किया था ना. दिस वॉज द वेक्टर जो आपको डालना है. अब लेवल्स को देखो, हमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज वो ए बी सी उस अकॉर्डिंग ऑर्डर होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. सो यू हैव टू चेंज इट ई से लेके ए तक. ये वाला जो मेरा फाइल है, दिस इज अपलोडेड इन द ड्राइव, तो आप लोग को ये लेने का जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन द ड्राइव, तो आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा. एंड देन ई इज एज पुअर. ये हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं, ये हम लोग इसीलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि अदरवाइज ये ऑपोजिट आता, एक्सीलेंट लेस दैन गुड लेस दैन एवरेज, वैसे आता. सो इन ऑर्डर टू चेंज दैट हम ऐसे कर रहे हैं. इज इट क्लियर नाउ ये वाला डाउट? यस मैम, थैंक यू। ओके. वेक्टर्स में किसी को डाउट था? वेक्टर्स में किसको डाउट था? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू ऑल कैन आस्क. कौन से क्वेश्चन में डाउट है? आई थिंक मुस्कान, किसने पूछा था? मुस्कान, वेक्टर्स क्वेश्चन फोर. वेक्टर्स क्वेश्चन फोर, क्रिएट अ नेम्ड वेक्टर, क्रिएट अ नेम्ड वेक्टर ऑफ टेम्परेचर फॉर सिटीज लंदन, पेरिस, स्टॉकहोम यूजिंग द सी फंक्शन. तो ये नेम्ड वेक्टर तो अपने नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे बनेगा. क्रिएट अ नेम्ड वेक्टर ऑफ दीज. हाँ, इसमें क्या डाउट है? ये तो आप नेम्स फंक्शन यूज करके बनाओगे. फर्स्ट यू विल क्रिएट अ नॉर्मल वेक्टर टेम्परेचर, उसका आप दे देना वैल्यूज 18, 20, 20 एंड 15. एंड देन यू विल यूज द नेम्स फंक्शन टू क्रिएट, टू पुट इन दीज नेम्स, लंदन, पेरिस एंड टोक्यो. इज इट क्लियर? स्कैन कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे. पहले आप डायरेक्टली भी ऐसे बना सकते हो. आई थिंक मैंने ये वाला तरीका आपको नहीं बताया था नेम वेक्टर बनाने का, बट यू ऑल कैन ऑल्सो डू इट दिस वे. सी, टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन 18, 20, 15 ऐसे करने के बजाय, एंड देन नेम्स फंक्शन यूज करने के बजाय आप ऐसे डायरेक्टली भी बना सकते हो इक्वल टू दे देके. सो लंदन इक्वल टू 18, पेरिस इक्वल टू 20 एंड स्टॉकहोम इक्वल टू 15. आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने ये वाला तरीका आप लोग से नहीं करवाया था, बट यू ऑल कैन डू इट दिस वे एज वेल. सेम चीज बनेगा. देखो यहाँ पे नेम्स फंक्शन से किया हुआ है सेम चीज मैंने, इंडाइसेस, एंड देन यू हैव यूज्ड द नेम्स फंक्शन एंड देन यू हैव गिवन द नेम्स टू डिफरेंट इंडाइसेस. तो यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज वेज इन ऑर्डर टू डू. आई थिंक मैंने फर्स्ट वाला तरीका आप लोग को नहीं बताया था. सो ऑल ऑफ यू मेक अ नोट कि आप लोग ऐसे भी नेम्ड वेक्टर क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, ऐसे भी नेम्ड वेक्टर आप लोग क्रिएट कर सकते हो. कैन वी डिस्कस द लास्ट, जस्ट द लास्ट क्लास क्वेश्चन वन? महक, मैंने अभी डिस्कस कर लिया. डू यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? श्रीजन इज आस्किंग वुड वी डिस्कस द अनो. कृतिका मैम, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चन फोर अंडर वेक्टर्स? आई थिंक कृतिका अभी आपको क्लियर है. इसमें क्या डिफरेंस है? यू कैन यूज बोथ द वेज टू क्रिएट अ नेम्ड वेक्टर. लास्ट क्लास में आई एक्चुअली फॉरगॉट टू एक्सप्लेन ये वाला पार्ट, बट इट्स द सेम थिंग, आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. मेघा, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन. मैम हम प्लीज. डोंट वी हैव टू पुट लंदन एंड एवरीथिंग अंडर
quotations because they are characters. हाँ सो सी ये हम लोग कोटेशंस में क्यों नहीं डालते, क्योंकि ये अभी एज अ वेरिएबल ले रहे हैं. नाउ द डिफरेंस ऑफ दिस विल कम टू व्हेन हम लोग मेट्रिसेस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, डेटा फ्रेम्स करेंगे तो और क्लियर होगा. बट यहाँ पे ये कैरेक्टर नहीं है, ठीक है? ये जो आप लंदन ले रहे हो, दिस इज नॉट अ कैरेक्टर अभी के लिए. दिस इज अ वेरिएबल जिसको आप क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो, 18. पेरिस इज अ वेरिएबल जिसको आप क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो, 20. एंड द ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर. सो नाउ आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेरिएबल एंड अ वैल्यू. सो अ वैल्यू इज समथिंग विच यू असाइन टू अ वेरिएबल और टू अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच कंटेन्स दीज वैल्यूज एंड वेरिएबल्स. वॉट इज एन ऑब्जेक्ट? अ वेक्टर इज एन ऑब्जेक्ट, फैक्टर. अब हम लोग आज करेंगे मेट्रिसेस, डेटा फ्रेम्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. चाहे आप उसमें एक सिंगल वैल्यू डालो या एक से ज्यादा वैल्यू डालो, दीज आर नोन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखो, Q3 दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स वैल्यू फॉल्स. साइज दिस इज अ ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स दीज वैल्यूज. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू. एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, राइट? वेरिएबल क्या होते हैं? इट वेरीज विथ टाइम, इट कैन वेरी, राइट? इट इज नॉट सर्टेन. तो यहाँ पे ये जो लंडन को हमने 18 असाइन करा है, दिस आई कैन इजीली चेंज. हाउ विल आई चेंज? देखो मैं बताती हूँ, बहुत ध्यान से देखना ये चीज. ऑल्दो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहे हैं, बट अभी के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपने लंदन को 18 असाइन करें, नाउ सपोज द टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड टू 22 फॉर एग्जांपल. तो अब हम लोग इसको कैसे चेंज करें? सबसे पहले तो आपको ये वाला वैल्यू को लेना पड़ेगा, एंड देन इसके जगह पे आपको क्या डालना पड़ेगा, 18 के जगह पे 20. तो हम कैसे इस वैल्यू को लेंगे? ये टेम्परेचर, दिस इज द वेक्टर, हम इंडेक्सिंग से इस वैल्यू को लेंगे. कैसे लेंगे इंडेक्सिंग से? आइदर यू कैन राइट 1 यहाँ पे, और विद इन द कोटेशंस यू कैन राइट लंडन. बोथ द थिंग्स यू कैन डू, ठीक है? अगर हमें क्वेश्चन में बोल देते हैं कि लंडन का वैल्यू है चेंज फ्रॉम 18 टू 20 एंड हमें एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ लंडन नहीं पता, तो हम डायरेक्टली कोटेशन में लंडन लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता. अगर हमें पोजिशन पता है, सो यू कैन यूज द पोजिशन एज वेल, बट इट इज बेटर कि आप ऐसे लिखो. देन यू विल असाइन दिस. अच्छा, तो ये वाला अगर आप खाली रन करोगे तो आपका क्या आएगा, 18. अब आप इसको असाइन करो सपोज 22 फॉर एग्जाम्पल. लेट अस रन दिस. द मोमेंट यू रन दिस, अब हम लोग जब टेम्परेचर रन करते हैं ना, टेम्परेचर देखना, हम लोग खाली टेम्परेचर रन करेंगे. तो जब आप ये रन करोगे तो क्या होगा, नाउ इट गिव्स यू लंदन का वैल्यू एज 22. तो दिस थिंग इज बेसिकली लंदन, यहाँ पे पेरिस. These are all variables, something which will change, which can change. These are the values. How can you change your, मतलब 18 को आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, that is a certain value. And this is a object, why? क्योंकि इसके अंदर हम कुछ values डाल रहे हैं, this is a vector object, ठीक है? So that is why आप इसको quotations में नहीं डालोगे. But यहाँ पे हम क्यों quotations में डाल रहे हैं? Because this is taken as a object, this is taken as a vector, जो आप names अलग से फंक्शन यूज करो एंड देन आप इसको एज अ वेक्टर डाल रहे हो. यहाँ पे आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो इक्वल टू यूज करके. सो दिस इज अगेन अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये वाला कॉन्सेप्ट यू ऑल कैन राइट दिस डाउन. यू ऑल कैन राइट दिस डाउन, टेक दिस इनटू अकाउंट. ये वाला आप लिख सकते हो ताकि आपको, एंड दिस ये होगा, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ना, आपको मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दी कि इस पर्टिकुलर का टेम्परेचर या वट एवर, मतलब आपका जो भी क्वेश्चन स्पेसिफिक है वो चेंज हो रहा है, सो यू हैव टू चेंज योर ड्रेस पे, ठीक है? प्रियांशी प्लीज, आपको कल का क्लास देखना पड़ेगा. आपने आई थिंक कल का क्लास मिस किया है. ऑर्डर्ड आर्ग्यूमेंट वॉज टू चेंज द कैटेगोरी द फैक्टर इंटू अ ऑर्डर्ड फैक्टर, यानी कि ऑर्डिनल. हम लोग जब अपने डेटा को रैंक कर सकते हैं, सपोज साइज में मीडियम, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो वो लेस देन वाला साइन जब आ जाता है, जब आप कंपेयर कर सकते हो, जब आप रैंक कर सकते हो अपने फैक्टर्स,
सारे कैटेगरीज को, तो हम लोग ऑर्डर्ड इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स. व्हाइल इंडेक्सिंग डज टेम्परेचर हैव टू बी इन कोट्स? यस, अदरवाइज ये शायद मैंने बताया था लास्ट क्लास जो हम लोग नेम्ड वेक्टर का इंडेक्सिंग कर रहे थे कि अदरवाइज ये नहीं लिया जाएगा. इफ यू जस्ट डू इट दिस वे, लेट अस चेक ये होता है कि नहीं. आई डोंट थिंक होगा, लेट मी चेक. नो, ऑब्जेक्ट लंदन नॉट फॉर्म. सो अगेन यू हैव टू गिव दिस विद इन द कोट्स. ठीक है. क्योंकि समझो, आप लोग कंफ्यूज मत हो कि यहाँ हम कोट्स नहीं ले रहे, यहाँ हम कोट्स क्यों ले रहे हैं. जस्ट दैट दिस इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू. 18 एक वैल्यू है, उसका ये वेरिएबल है या फिर उसका एक नाम है लंदन. ठीक है, तो इसको अगर आप बिना कोट्स के कुछ भी लिखते हो, दैट रिप्रेजेंट्स आइदर अ नंबर और एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, बट दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द नेम, दिस इज द वेरिएबल. बट यहाँ पे आप क्यों उसको बिना कोट्स के लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ पे इट इज टेकन एज अ वेरिएबल एंड ये अपने आप अंडरस्टूड है. जब आप इक्वल टू साइन दे देके, कॉमा दे देके लिख रहे हो, अपने आप ही अंडरस्टूड है कि लंदन इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स अ वैल्यू 18. अगर आप खाली लंदन लिखते तो आपको ऑब्वियसली एरर आता कि लंदन क्या है. सो देर आर टू डिफरेंसेस. अगर आप बिना कोट्स के कुछ भी लिखते हो, दैट इज टेकन एज अ न्यूमेरिक फर्स्टली. तो अगर आप न्यूमेरिक को बिना कोट्स के लिखते हो तो आपको एरर कभी नहीं मिलेगा. बट अगर आप कोई भी कैरेक्टर को, कोई भी स्ट्रिंग को अगर आप बिना कोट्स के लिखते हो, दैट रिप्रेजेंट्स कि वो या तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या तो कोई नंबर. तो ऑब्जेक्ट वो नहीं है, तो अगर वो कैरेक्टर है सो इट शुड बी विद इन द कोट्स. इज इट क्लियर वशिष्ठ? निधि इज आस्किंग, व्हेन आई रन नेम्स फंक्शन सेपरेटली आई एम नॉट गेटिंग द आंसर. मतलब अगर आप खाली इसको ऐसे रन करने का बोल रहे हो, जस्ट लाइक दिस, मे बी आपने कुछ एरर किया होगा. कैन वी राइट? नो, सी, सो निधि का क्वेश्चन इज कैन वी राइट लंदन एंड ये असाइनमेंट वाला. सो दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू कम इन, सॉरी, एट अ लेटर पार्ट. बट ठीक है, मैं अभी इसको समझा देती हूँ आप लोगों को. सो ये हम लोग क्यों नहीं करते हैं समझना. जब भी आप कोई फंक्शन याद करो, हम फंक्शन के अंदर, यहाँ पे ये फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर लेंथ इक्वल टू लिख रहे हैं, ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर दे रहे हैं. सिमिलरली ये एक वेक्टर के अंदर है, तो वेन एवर इट इज विद इन अ वेक्टर, विद इन अ फंक्शन, विद इन लूपिंग जो हम लोग आगे करेंगे, वट एवर, हम लोग हमेशा इक्वल टू लिखते हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर इज ओनली वेन यू असाइन अ पर्टिकुलर वैल्यू, वैल्यूज टू एन ऑब्जेक्ट. तो ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप असाइन कर रहे हो. इट माइट रन, इट माइट गिव यू द आंसर. यहाँ पे अगर आप इक्वल टू डालोगे, इट विल स्टिल गिव यू एन आंसर, बट इट इज नॉट अ गुड हैबिट. आई नेवर डू इट इवन, मतलब ये एक अच्छा हैबिट नहीं है. अगर आप वो लिख रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड प्रोग्रामर. ठीक है, सो इट्स नॉट अ गुड हैबिट टू डू इट. एक पर्टिकुलर तरीका होता है हर चीज का. आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन दिवांश. कैन वी से दैट लंदन इज एन इंडेक्स? ये मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो आप. लंदन इज एन इंडेक्स एज इन यहाँ? नहीं, लंदन एज एन इंडेक्स नहीं, नहीं, मतलब इट इज इंडेक्सिंग ऑफ अ नेम्ड वेक्टर. तो इंस्टेड ऑफ, आपको अगर पोजिशन नहीं पता तो आप उसका नाम ले रहे हो सीधा. क्योंकि अगर 1000 वैल्यूज होते, 1000 सिटीज होते एंड उनका टेम्परेचर दिया हुआ होता, तो क्या आप बैठ के पोजिशन ढूंढते या फिर आप डायरेक्टली कोटेशन में वो सिटी का नाम लिख देते? दिस इज वॉट इज शोइंग. सो निधि, आपने ना कुछ गलत किया होगा पहले. नेम्स एट्रीब्यूट 3 मस्ट बी द, हाँ, तो आपने में भी यहाँ पे 3 वैल्यूज डाले हैं,
बट प्लीज चेक योर वेक्टर, मे बी योर वेक्टर डज नॉट कंटेन थ्री वैल्यूज, आपने कॉमा नहीं दिया है कहीं पे. इट माइट सो हैपन कि आपने कहीं कॉमा नहीं दिया एंड इट हैज बीन टेकन एज टू वैल्यूज एंड यहाँ पे यू हैव गिवन थ्री वैल्यूज, सो चेक दैट, मे बी आपका लेंथ इज नॉट सेम. कोई कुछ बोल रहा था आई थिंक. Ma'am, like we say that index of a means like 18 is first, so we can say that index of 18 is 1. So can't we say that London is also an index, like we use 1, 3? Nahin, vapas ek baar puchna please. Like ma'am, if we didn't wrote London, Paris and Stockholm, then the default index will be 1, 2, 3. So instead of one, we have used London. Ha, so you can call it as an index. See, you can call it as an index. Yes, that way you can call it as an index, no problem. But basically, yeah, you can call it as an index, no problem. आप ये indexing कर रहे हो तो उसके अंदर में आप ये index डालते हो. It can be a position, it can be a name. Yes, so that way you can call it as an index, no issue. अगर मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है सो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड अगेन. निधि सिंह, व्हेन आई रन फंक्शन सेपरेटली आई एम नॉट गेटिंग द आंसर. क्या मतलब, कैसे आप अलग सेपरेटली रन? अच्छा, दैट आई टेकन अप. वशिष्ठ, इज योर क्वेश्चन क्लियर? टेम्परेचर वाला कि कोट्स में क्यों है? ओके, सी, सो एक और चीज यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ कि ये कोट्स में क्यों है. इफ यू ऑल रिमेम्बर, इंडेक्सिंग में मैंने ये जो जिस किया है इधर C4.7, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कुड हैव डन इज मैंने इसको एक वेक्टर में ले लिया होता, एक अलग वेक्टर में, एंड देन यहाँ पे वो वेक्टर का नेम पास किया होता, तो वो उस समय मैं कोट्स नहीं यूज करती. इफ यू ऑल रिमेम्बर, मैंने एक चीज ऐसे करके दिखाया था क्लास में, तब मैं उसका कोट्स में उसको यूज नहीं करती, बिकॉज दैट्स एन ऑब्जेक्ट. सो व्हेन यू मेंशन अ ऑब्जेक्ट, इट शुड नॉट बी विद इन कोट्स, क्योंकि ये देखो अपने आप इसका कलर ग्रीन हो गया. एक्चुअली दिस इज जस्ट अ डिमार्केशन, आप जो भी थीम यूज करते हो उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका ये कलर चेंज होगा. मेरा डिफॉल्ट थीम है, सो डिफॉल्ट थीम में द वैल्यूज आर टेकन एज न्यूमेरिक वैल्यूज आर टेकन एज ब्लू, द कैरेक्टर और द स्ट्रिंग वैल्यूज आर टेकन एज ग्रीन. ठीक है, तो फंक्शन एंड ऑल ऑफ दोज आर टेकन एज नॉर्मल ब्लैक. तो यहाँ पे इसीलिए इसको हम कोटेशन में डाल रहे हैं, सो दैट आर अंडरस्टैंड कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक वेरिएबल है. ठीक है, जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, सो दैट इज इट. किसी और को कोई डाउट है? बट एक्चुअली यू नो वॉट, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स जहाँ पे लाइक आई एम नॉट, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत वैसा डिफिकल्ट है या कुछ, इट इज ईजी. बट दीज आर द सम प्लेसेस जहाँ जहाँ कभी कभी कोई कोई कंफ्यूज हो जाते हैं. इवन अ गुड प्रोग्रामर गेट्स कंफ्यूज कि क्यों ऐसा हो रहा है. इवन माइट सो हैपन कि मैं एक बड़ा कोड लिख रही हूँ या मैं बहुत एक कोई डेटा हैंडलिंग कर रही हूँ, सडनली इवन मे बी आई फॉरगॉट टू राइट द कोड्स. होता है ऐसा चीज, बट देन आर इज वेरी यूजर फ्रेंडली, जस्ट बिकॉज जो एरर्स है ना वो काफी रीडेबल होते हैं. आप इस एरर को देखते ही समझ जाओगे अरे कोट्स में होना चाहिए था. द मोमेंट यू लर्न हाउ टू रीड योर एरर इन आर प्रोग्रामिंग, दैट डे यू हैव मास्टर्ड ऑल द स्किल्स ऑफ आर. क्योंकि अगर इसका एरर काफी अच्छे से आता है, अगर आप एरर समझ जाओगे ना तो आप अपना गलती जल्दी से पकड़ सकते हो. तो मैं आपको जितना एरर्स आपको आप लोग क्रिएट कर रहे हो, जैसे निधि का जो एरर आया, दिस सेम एरर मैंने अपने क्लास में करके दिखाया था जब मैंने यहाँ पे तीन वैल्यू सिलेक्ट किए थे और यहाँ पे दो वैल्यूज, इफ यू ऑल रिमेम्बर, अलग अलग लेंथ का, यहाँ पे कम वैल्यूज का भी करके दिखाया था, तो NA आ रहा था नेम्ड वेक्टर में. तो निधि कुडंट रीड, बट ये अभी आप लोग से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ एट दिस लेवल यू विल बी एबल टू, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू रीड योर एरर्स. ओके देवांश, यस टेल मी. आपने अपना हैंड रेज किया मैम. लाइक वी यूज्ड वेक्टर ऑफ द इंडेक्सेस to find multiple values, like in bracket C we used 4, 7. Likewise, can we use London and Paris?
हाँ एब्सोल्युटली सी एब्सोल्युटली ओके चलो ग्रेट क्वेश्चंस लेट अस मूव टू द एनी मोर क्वेश्चंस और शैल वी मूव टू द मैट्रिसेस. एक बार मुझे थम्स अप दिखा दो. ग्रेट चलो सो लेट्स मूव टू द मैंने कुछ चेंज नहीं किया ना इधर. सो लेट्स मूव टू मैट्रिसेस नाउ. व्हाट आर मैट्रिसेस? सबसे पहले तो अभी तक हमने वेक्टर्स किया, हमने फैक्टर्स किया, सिंगल डायमेंशनल, सिंगल रो. अच्छा किसी ने कल पूछा था क्या हम लोग वर्टिकल ला सकते हैं या कॉलम की जैसे? नहीं, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था इट इज हॉरिजॉन्टल और सिंगल डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल वेक्टर. यू कैन नॉट चेंज इट इनटू दिस. ठीक है, तो वेक्टर्स होते हैं सिंगल डायमेंशनल, फैक्टर्स होते हैं सिंगल डायमेंशनल. इट कैन ओनली कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ अ वैल्यू, या तो कैरेक्टर खाली या तो न्यूमेरिक खाली, वट एवर इट इज. नाउ नेक्स्ट वी मूव टू मैट्रिसेस व्हिच आर टू डायमेंशनल, बट इट कैन ओनली कंटेन अगेन द सेम टाइप ऑफ डेटा. सो अगेन इट कैन जस्ट कंटेन कैरेक्टर और इट कैन जस्ट कंटेन न्यूमेरिक और लॉजिकल, वट एवर इट इज. बट द ओनली डिफरेंस इज इट इज नाउ टू डायमेंशनल. तो काफी लोगों ने पढ़ा होगा वॉट आर मैट्रिसेस. एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा है वही हम लोग यहाँ पे बनाने वाले. सो इट हैज बोथ रोज एंड कॉलम्स. अगर हम बात करें वेक्टर्स का तो वेक्टर्स में खाली कॉलम्स होते हैं ना, क्योंकि एक सिंगल लाइन होता है एंड यू हैव डिफरेंट वैल्यूज. सो वन सिंगल रो एंड अ लॉट ऑफ कॉलम्स. यहाँ पे यू हैव रोज, दीज आर द रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोलते हैं अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है, एंड दीज आर द कॉलम्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज होते हैं एक मैट्रिक्स में. ठीक है, अगेन द मेन शॉर्टफॉल इज कि यहाँ पे वापस यू कैन जस्ट हैव सिंगल टाइप ऑफ डेटा. तो अगर आप पूरा मैट्रिक्स खाली न्यूमेरिकल्स का बना रहे हो तो खाली उसी का बनेगा, अगर आप कैरेक्टर का बना रहे हो तो खाली कैरेक्टर का बनेगा, एंड सो ऑन. द हाउ टू, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी लर्न इज हाउ टू क्रिएट अ मैट्रिक्स. अगेन जैसे वेक्टर के लिए सी फंक्शन, कंबाइन फंक्शन था, सीक्वेंस ऑपरेटर, ऑल ऑफ दोज. फैक्टर के लिए फैक्टर फंक्शन यूज करे थे, मैट्रिक्स के लिए वी यूज अ फंक्शन कॉल्ड मैट्रिक्स. बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी इजी थिंग विच वी लर्न. तो उसके पहले लेट मी क्रिएट टू वेक्टर्स. लेट मी क्रिएट अ वेक्टर वी जिसमें हम डालते हैं वैल्यूज फ्रॉम 1 to 12. ठीक है, एंड लेट अस क्रिएट अ मैट्रिक्स. हमारा पहला मैट्रिक्स मैट 1, इसको हम दे देते हैं नाम. आप नेम दे सकते हो, असाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. जनरली it is very good that you always assign an object. Okay, you always assign a name to your functions. If you don't, never mind, no problem. But agar aap karte ho shuru se, agar aapka habit hai, to bahut achhi baat hai. First thing is you pass the data. Aapka jo bhi data hai, that data which you pass can be in the form of a matrix, also vector, factor, anything. Okay, factor nahi generally, it is always a vector. Or a matrix. Dekh lo, it can be a vector or it can be a matrix as well, which we'll come to later on. So, yahan pe maine pass kiya v, which is the vector, which is the data basically. So, aap aise bhi likh sakte the, data equal to karke, ya fir aap simply v bhi likh sakte ho. And then the next thing which is important, very important. आप नंबर ऑफ रोज मेंशन करो कि कितना आप चाहते हो अपने मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हो. तो यहाँ पे आप देखो यू हैव टू आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. दोनों में से कोई भी एक मेंशन करना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि आर नहीं तो समझ नहीं पाएगा कि आपको कैसा मैट्रिक्स चाहिए. ठीक है, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए एग्जैक्टली. अगर आप एक भी मेंशन कर दो तो कॉलम तो अपने आप निकल सकते हैं. कैसे? इफ यू ऑल रिमेंबर, number of rows multiplied by number of columns give you the total number of elements, right? अगर हम लोग 3 क्रॉस 3
यानी कि थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स का मैट्रिक्स बना रहे हैं. सो टोटल देर आर नाइन एलिमेंट्स इन आर इंटायर मैट्रिक्स. सो यू हैव टू स्पेसिफाई आइदर द टोटल नंबर ऑफ रोज और द नंबर ऑफ कॉलम्स विच यू वॉन्ट इन योर मैट्रिक्स हमेशा. ठीक है, तो हम अभी के लिए ले लेते हैं एन रो इक्वल टू थ्री. जब भी हम एन रो पास करते हैं, एन कॉल पास करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ जाएगा. सो नाउ लेट अस क्रिएट एंड देखो यहाँ पे एक नया, इफ यू कैन जस्ट, ये देखो ये वाला वैल्यू सारा वेक्टर्स एंड फैक्टर्स का था. यहाँ पे एक अलग से डेटा सेक्शन में, अलग से एक डेटा सेक्शन में वी हैव गॉट दिस मैट वन. ठीक है, तो क्यों ऐसा आ रहा है अभी हम लोग समझेंगे. तो पहले तो हम लोग मैट वन एक्सट्रैक्ट करते हैं. कितने नंबर ऑफ रोज है? थ्री नंबर ऑफ रोज जैसे मैंने मेंशन करा था. एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? फोर नंबर ऑफ कॉलम्स है बाय डिफॉल्ट. अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्राई करते हो टू पुट इन नंबर ऑफ कॉलम एज फाइव फॉर एग्जांपल, तो देखते हैं क्या होगा. इसको हम कर देते हैं मैट टू. क्या एरर आ रहे हैं? डेटा लेंथ इज 12. तो आपका ये डेटा का लेंथ इज 12, 1 से लेके 12. दिस इज नॉट अ सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 5. यानी कि 5 इंटू 3 करो 15. आपने, आप बना रहे हो, आप चाह रहे हो 15 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बनाने का, बट योर टोटल एलिमेंट्स इन द डेटा इज जस्ट 12. तो बाकी तीन कहाँ से लाएं? नहीं हो सकता. सो वॉट यू कैन डू इज आइदर इट कैन बी योर मल्टीपल, देन इट विल नॉट गिव यू एनी सी. आपका वार्निंग आ रहा है ना, एरर नहीं आ रहा है. देखो क्या हुआ, ये रीसाइकल हो गया. बट अगर ये पूरा मल्टीपल होता, सपोज आपका ये 12 है एंड ये 24 आप बनाते, तो आपका वार्निंग नहीं आता, पूरा चीज वापस रिपीट हो जाता. सो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगेन यू हैव दिस 1, 2, 3. पर अगर ये आपका सपोज 24 होता, ठीक है, अगर हम इसको 7 कर देते मे बी, तो यहाँ पे और हमारे 6, 7 और रोज आ जाते, कॉलम्स आ जाते, तो फिर हमारा एरर नहीं शो करता, मतलब वार्निंग नहीं शो करता. एरर नहीं, वार्निंग नहीं शो करता. क्लियर है यहाँ तक? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू ऑल कैन आस्क. ठीक है, 7 बोला ना मैंने, 8 सॉरी. अगर ये 8 होता नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपका कोई एरर नहीं आता. मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको. बट मैट्रिसेस यहाँ तक क्लियर है? मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन? वेट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. सो सबसे पहले तो ये समझ में आया मैट वन. मैट वन इज बेसिकली आपने क्या डाला, डेटा डाला 1 से लेके 12 तक के वैल्यूज. ठीक है, ये जो आपने वैल्यूज डाले, इनको अब आप चाहिए कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाए. मैट्रिक्स इज टू डायमेंशनल. टू डायमेंशनल मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ रोज हो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो. तो मैंने कितना नंबर ऑफ रोज डाला है? 3. तो अगर मैंने 3 नंबर ऑफ रोज डाला है, तो कॉलम अपने आप क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 × 3 = 12. पूरे वैल्यूज को आपको अकोमोडेट करना है ना, तो अपने आप हो जाएगा 4, राइट? तो यहाँ अगर हम डाल देते हैं सपोज 1, 2, 3 रोज आया, कॉलम्स आ गए 4, एंड द वैल्यूज आर गोइंग कॉलम वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो इट इज गोइंग कॉलम वाइज. ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं आगे, आगे हम देखेंगे कैसे. सो इट इज गोइंग कॉलम वाइज द वैल्यूज आर. इस केस में मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स दे दिया 5, मतलब मैंने एक और कॉलम इधर पे ऐड कर दिया. तो वैल्यूज तो खाली 12 है, बट आप इसमें चाहते हो कि आपके पास आ जाए 15 वैल्यूज. 5 × 3 = 15. दीज आर द नंबर ऑफ रोज. 3 × 4 = 12. 12 वैल्यूज, 12 एलिमेंट्स इन द डेटा. डेटा में यू हैव 12 एलिमेंट्स, बट अब आप चाह रहे हो कि आपका एक मैट्रिक्स बन जाए विद 15 एलिमेंट्स. तो हम लोग क्या करेंगे, ये रीसाइकल हो जाते हैं. जो हमने रीसाइकलिंग अभी तक पढ़ा है, इट्स एग्जैक्टली दैट वे. आपका जो ये वी है, ये अपने आप रीसाइकल हो गया एंड 1, 2, 3 गॉट रीसाइकल. बट क्या होता था,
जब पूरा वेक्टर रिसाइकल नहीं होता था, यू गॉट दिस वार्निंग हमेशा कि द स्मॉलर वेक्टर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द लार्जर वेक्टर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर वेक्टर. सिमिलरली इन दिस केस आपका, क्योंकि ये पूरा तरीके से रिसाइकल नहीं हो रहा है, इसीलिए यू गेट दिस वार्निंग दैट द डेटा इज ऑफ लेंथ 12, बट दिस इज नॉट अ सब मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स विच यू हैव मेंशनड. रिसाइकल हो गया, आपका आंसर आ गया, देर इज नो एरर विच यू आर फेसिंग, बट देर इज जस्ट अ स्मॉल वार्निंग विच यू हैव गॉट. सिमिलरली अगर हम इसको नंबर 8 कर दें, तो अब क्या हो जाएगा देखना, अब आपका वार्निंग नहीं आ रहा है क्योंकि अब वो पूरी तरीके से वापस से रिसाइकल हो जाएगा 1, 2, 3 12th तक एंड अगेन 1, 2, 3 पूरा 12th तक. सो इट रिसाइकल्ड पूरा अगेन. इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन व्हाट इज अ वेक्टर, सॉरी अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो दिस वे अगर आप यहाँ पे खाली नंबर ऑफ रोज मैंने मेंशन करा, अगर आप पैसा वर्षा करते, आप नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन करते, तो भी आपको आंसर मिल जाता. ठीक है, वो नंबर ऑफ रोज को अपने आप लेके निकाल देता. So that is the very first thing. Now the next thing is कि ये जो हमारा जा रहा है ये कॉलम वाइज जा रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कॉलम वाइज जा रहा है. Do we have to write n row? No, you all can skip writing n row also. आप n row को skip भी कर सकते हो लिखना, वो अपने आप नंबर ऑफ रोज के जैसा माना जाएगा. बट आप एन कोल को नहीं स्किप कर सकते हो, एन कोल आपको लिखना पड़ेगा. या फिर अगर आप खाली सी, आई मेक यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. देखो अपने आप आपको एन रो लिखना नहीं पड़ा, बट अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन करने होते तो आपको एन को लिखना होता, क्योंकि इसके बाद वाला जो आर्ग्यूमेंट है दिस इज एन रो, तो आप इसको बिना लिखे चल सकते हैं. बट अगर आपको यहीं पे एक और कॉलम में मेंशन करना है, दैट आल्सो यू कैन डू विदाउट राइटिंग एन कोल कॉमा 4. ठीक है, बट अगर आपको खाली एन कोल देना होता तो आपको लिखना पड़ता. यस, देन आल्सो इट विल रिपीट द एलिमेंट. तो सार्थक इज आस्किंग अगर ये खाली 1 से लेके 11 तक होता, यहाँ क्यों चेंज करें, एक और बना लेते हैं. मैट्रिक्स अपने आप वो रिसाइकल हो जाता, 1 से लेके 11 तक है एंड यू आर गिविंग इट 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. ठीक है, तो देखो वार्निंग तो आ ही रही है साथ ही साथ, बट यू आर, योर वेक्टर इज गेटिंग रिपीटेड, योर डेटा इज गेटिंग रिपीटेड. क्लियर सार्थक? एंड अगर आपको खाली कॉलम्स मेंशन करना होता तो आपको एन को लिखना पड़ता, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉलम्स रोज कंसिडर हो जाएगा. सो यू हैव टू मेंशन दिस. बट अगर आप ऐसे लिखने का कोशिश कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है लिखने का. सिमिलरली ऐसे भी आपको लिखने का जरूरत नहीं है, सो दैट्स फाइन. यहाँ तक एनी डाउट्स? Now the next thing is, ये जो आर है ना, ये बार बार as पूरा पूरा कॉलम्स आ रहे हैं. वॉट इफ मुझे ऐसे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, मुझे रो वाइज चाहिए, मतलब पहले पहला रो पूरा पॉपुलेट हो, फिर वो नेक्स्ट रो में जाए, फिर वो नेक्स्ट रो में जाए. तो इसके लिए देर इज अ आर्ग्यूमेंट कॉल्ड बाय रो. बाय डिफॉल्ट ये क्या किया हुआ है, देखो फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स लिया हुआ है. तो इसका क्या मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होंगे वो कॉलम वाइज पॉपुलेट होंगे. तो अभी मुझे रो वाइज पॉपुलेट करना है, तो मुझे बाय रो क्या करना पड़ेगा, ट्रू. सो विद दिस वी कम टू आवर न्यू मैट्रिक्स व्हिच वी मेड, मैट 4. एंड यहाँ पे हम दे देते हैं बाय रो 2. हमेशा ट्राई करो टू राइट द इंटायर वर्ड ट्रू इंस्टेड ऑफ राइटिंग टी, क्योंकि ये गलती बहुत जन करते हैं. टी में कुछ असाइन कर देंगे पहले, कुछ एक वैल्यू वेक्टर कुछ भी असाइन कर देंगे एंड देन यहाँ पे टी लिखेंगे, उनका एरर आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्यों आ रही है एरर. और ये सिली मिस्टेक्स कब होता है, एग्जाम में.
ये सब मत करना. मैथ 4 जब रन करेंगे सो यू कैन सी वन. अब देखो द डिफरेंस बिटवीन मैथ 1 एंड मैथ 4. जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज द विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं, द सामने में दिख रहा है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. For math 1, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on. Clear? ठीक है. By row, again, ये भी काम आता है जब आपको values को row wise populate करना होता है. If you all have any kind of doubts, you all can ask. Now, there are some functions which you can use with this. Suppose आपको लिखना है. अच्छा, बिफोर कमिंग टू दैट, अब आपको ये नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. अब अगर आपको इसको नेम करना है, नेम करना है इन द सेंस मुझे रोज का कोई नाम देना है एंड कॉलम का कोई नाम देना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिम नेम्स. ठीक है, हम यूज करते हैं डिम नेम्स. तो ये अगेन एक क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट है जो हमें डाल रहे हैं. तो वी कैन मेक मैथ 5 एंड अब हम डिम नेम्स देते हैं. तो डिम नेम्स इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. अभी के लिए आप खाली ये लिख लो कैसे कर रहे हैं. व्हेन वी कम टू व्हाट आर लिस्ट तब आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज. तो इट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट जहाँ पे आप पहले मेंशन करते हो सारा रो नेम्स जो आपको देना है. सपोज मुझे रो नेम्स देना है एबीसी या फिर R1, R2, R3. ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ. ये जस्ट यू ऑल कैन कॉपी डाउन फॉर द टाइम बीइंग. एंड देन अगेन एक और सी फंक्शन यूज करके C1 कॉलम नेम्स देंगे. C2 वी हैव 4 कॉलम्स, तो C3 and C4. अब इस चीज को समझना. सो डिम नेम्स इज अ आर्ग्यूमेंट फॉर डायमेंशन नेम्स. डिम मतलब डायमेंशंस. सो डायमेंशन का आप नेम्स दे रहे हो, आप एक लिस्ट पास करो. जैसे वेक्टर मैट्रिक्स ये सब होता है, लिस्ट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. वील कम टू इट. सो लिस्ट इज समथिंग, इट्स एन ऑब्जेक्ट विच कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी के लिए खाली इतना समझो, लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब आप लिस्ट के अंदर वेक्टर्स डाल सकते हो बहुत सारा, आप लिस्ट के अंदर बहुत सारा मैट्रिसेस डाल सकते हो, मैट्रिक्स और वेक्टर और फैक्टर सब डाल सकते हो. सो लिस्ट इज समथिंग विच कैन कंटेन मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर. ठीक है, तो वो एकदम एंड में आते हैं, तो हम एकदम एंड में उसको पढ़ेंगे. बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि हमने लिस्ट पास किया है एंड एज आई सेड कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन कंटेन अदर ऑब्जेक्ट्स. तो इसके अंदर मैंने दो वेक्टर्स डाले हैं. पहला वेक्टर इज फॉर द रो नेम्स. तो मैंने रो नेम्स क्या दिया है, R1, R2, एंड दिस इज एग्जैक्टली इन द सेम वे हमने जैसे वेक्टर्स को नेम किया था. एंड देन दीज आर द कॉलम नेम्स. हमेशा पहले रो नेम्स जाता है एंड देन कॉलम नेम्स. हमेशा याद रखो, इन केस ऑफ आर प्रोग्रामिंग रोज पहले आते हैं, कॉलम्स बाद में आते हैं. फॉर इंडेक्सिंग करेंगे तब देखेंगे, हर जगह रोज पहले फिर कॉलम्स. ठीक है, तो ये जब हम लोग रन करेंगे इट इज सेइंग द फंक्शन लिस्ट नॉट फॉर. लिस्ट होता है कि लिस्ट होता है, मैं कंफ्यूज जाती हूँ. इट्स ऑलवेज लिस्ट. ओके, सो इट्स अ लिस्ट नॉट लिस्ट. And then we will run math 5. तो अब instead of this, पहले ऐसा आ रहा था, यहाँ पे compare कर लेते हैं. चलो पहले ऐसा आ रहा था, अभी ऐसा आ रहा है. C1, C2, instead of all of these, ये क्यों आ रहे हैं ये अभी आपको indexing में समझ में आ जाएगा. So don't ask me that question अभी. And ये R1, R2 आ रहे हैं instead of these. बताओ यहाँ तक clear है कि नहीं. Just take this into and एक बार 2 मिनट के लिए ध्यान से देखो, फिर मुझसे पूछना अगर ये समझ में नहीं आया तो. यू ऑल कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू.
अगर सबको क्लियर है प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दो क्लियर एंड सो वी मूव टू इफ यू फॉरगॉट टू गिव नेम टू एनी वन पर्टिकुलर कॉलम नो नेम्स विल नेवर गेट रिसाइकल्ड अगर आप इधर पे सी इफ यू जस्ट फॉरगेट वन और मोर सपोज आप इधर सी फोर भूल जाते हो तो आपको याद होगा वो एन ए आ जाएगा या फिर जस्ट सिंपली ये वाला वैल्यू आएगा ठीक है देख लो इसको रन करके तो यू आर गेटिंग एन एरर अच्छा मैंने हाँ तो आपको एरर आएगा दैट एन रो थ्री हाँ सो द एरर इज दैट इन मैट्रिक्स दिस पूरा लेंथ ऑफ डिम नेम्स नॉट इक्वल टू द एरे सो यू विल गेट एन एरर यू हैव टू गिव द नेम पूरा ठीक है आपको एरर आ जाएगा इस केस में when I'm running the like class of a matrix na to usme class mein matrix ke baad mein array bhi aa raha hai inverted commas mein why like that we'll come to that okay so aayenge abhi usme bhi hum log wahi karne wale the uske baad to ye आपको क्लियर है ठीक है नाउ दिस इज हाउ यू गिव द नेम नाउ द अदर वे ऑफ डूइंग इट इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिम नेम्स तो सपोज हम ले लेते हैं मैथ फोर ठीक है तो मैथ फोर ऐसा था हमारा नाउ यू हैव टू अगेन गिव द रो नेम्स एंड कॉलम नेम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस डिम नेम्स वाला चीज वॉट यू कैन डू इज यू कैन यूज फंक्शन as call names ठीक है call names function use कर सकते हो and आप again ऐसे पूरा जैसे names function आप use कर रहे थे ना vector में exactly in the same manner you can use row names and call names ये देखो मैंने गलती कर दिया मैंने इधर पे math 4 नहीं लिखा and इस गलती के वजह से यहाँ पे क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा कोई बात नहीं सो वी हैव कॉल नेम्स तो कॉल नेम्स रन किया हमने फिर हम रो नेम्स रन करेंगे यू हैव टू गिव द ऑब्जेक्ट जैसे नेम्स फंक्शन यूज कर रहे थे ना इफ यू रिमेम्बर वेक्टर्स में इन द सेम वे You have row names and column names. यहाँ पे खाली names नहीं use कर सकते हैं क्योंकि this is a matrix, it is two dimensional. तो R को नहीं समझ में आएगा कि आप names function से column names rename कर रहे हो कि row names rename कर रहे हो. So then if now you run math 4, तो आपका देखो अपने आप rename हो गया. So either you can use this method or you can use this method. Dim names या फिर row names, column names. I generally prefer row names and column names. मुझे ये dim names वाला नहीं पसंद है. It's up to you कि आपको क्या पसंद आएगा. मैंने काफी सारा task इसके साथ add किए. तो जब आप task करोगे तो आप दोनों चीज करके देखना. आप dim names वाला चीज भी use करना. आप row names, column names वाला चीज भी use करना. हमेशा dim names में actually क्या होता है ना? There is a shortfall कि यहाँ पे आपको पूरा पूरा देना पड़ेगा. Like you have to give all the row names and all the column names. That is not the case for these functions which you use. यहाँ पे you can skip. ठीक है यहाँ पे if you skip, तो I think चलेगा. So you can try that as well. But यहाँ पे वो चीज नहीं चलेगा. यहाँ पे you will get an error. Clear है other way of doing it. Now, yes, Devansh. Ma'am, can we use means like in
dim names or call names and row names like one then can colon one colon three or like that. You want to use the numbers, right? Numericals use karne aapko. Yes ma'am, with like sequence. Haan, use kar sakte. I will show you. See, yahan pe isko change kar dete hain. Chalo, instead of this, and then if I run math 4, 1, 2, 3, 4 together, we can do that. Okay, good question. You can do that. Now let us ab humne almost matrix pura seekh liya hai kaise banate. You give the data first, then you give the number of rows, then you give the number of columns, then you, if you want to do it row wise, you give by row through. Agar aapko dim name dena hai, column names and row names, to ya to aap call names, row names function use kar sakte ho, or you can use dim names as an argument. So these two you can do. Moving on, coming to the next part. Now there are different functions which you can try with a matrix. Sabse pehla to hai ki aap likho is dot matrix. Theek hai, ye hum try kar rahe hain sab kuch math 5 pe try karte hain. To aapka aa jayega true. Obviously agar aap class likhne ka koshish karo math 5, to aapka aa raha hai matrix array. Ye array kyun aa raha hai? We hum karenge after data frames when we learn what is an array. Theek hai? Or I'll see if I can do that today. Agar aaj complete ho paata to. So what's an array? We'll come to that. But abhi ke liye samjho ki matrix yahan pe aa raha hai. Correct? This is the class. Then we have, you can find out number of rows and number of columns. For that, you will write n row, mat 5, n col, mat 5. तो देखो नंबर ऑफ रोज क्या आया 3, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आया 4. सिमिलरली यू कैन फाइंड इफ यू वांट टू गेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स टुगेदर, जो हम लोग जनरली करते हैं, तो उस केस में आप लिख सकते हो डिम मीनिंग डायमेंशन एंड देन जस्ट राइट मैट 5, यू विल गेट द नंबर ऑफ डायमेंशन. हमेशा मैंने क्या बोला था, हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले आते हैं फिर कॉलम्स आते हैं. So this is the number of rows and this is the number of columns. ठीक है, यहाँ तक clear. The other thing you can use is the structure of math 5 आप निकाल सकते हो. structure of math 5 में समझना कैसे आ रहा है पूरा चीज. पहला आ रहा है integer. This represents कि आपका जो matrix है वो क्या है, character data है, numeric data है. न्यूमेरिक में यू हैव इंटीजर एंड ऑल, तो यहाँ पे इंटीजर है, जनरली इंटीजर डेटा ही होता है. एंड देन यू हैव कितने रोज है, 3 रोज है, ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव 4 कॉलम्स, 1:4 मीनिंग 4 कॉलम्स. यहाँ पे भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, इफ यू सी माई कर्सर इन द ग्लोबल एनवायरमेंट विंडो. देन यू हैव ऑल द वैल्यूज. नाउ दीज वैल्यूज, वाई इट इज कमिंग एज 159, ये कॉलम वाइज आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमारा मैट 5 अगर हम रन करें तो ऐसा था 1, 2, 3, हमने बाय रो इक्वल टू ट्रू कर दिया था, बट हमेशा जो वैल्यूज आएंगे वो हमेशा कॉलम वाइज आएंगे. सो इसीलिए 159, 2, 6, 10 वैसे आ रहे हैं. देन द एट्रीब्यूट डिम नेम्स, विच इज अ लिस्ट ऑफ 2. लिस्ट ऑफ 2 क्यों? रो नेम्स एंड कॉलम नेम्स का वेक्टर्स जो हमने बनाया है, these are the row names and these are the column names. पहले हमेशा आपको row names मिलेंगे, फिर हमेशा आपको column names मिलेंगे. अगर आप structure of mat 4 check करो, जो हमने अभी create करा था, जिसमें हमने naming करा था using row names and column names, अगर उसका structure हम check करें तो वो भी कुछ ऐसा ही लगेगा, same. Structure clear है सबको? See, if these are the small things which you may not be assessed on, but अगर आपको R programming आती है तो आपको ये सारी चीजों को read करना आना चाहिए. That is why I am explaining it in details. हर एक चीज का meaning होता है. This is an integer. These are number of rows, columns. These are the values, column wise. Ma'am, can we use as function? Um.
कैन बी नेम विदाउट कोट्स वशिष्ठ, मतलब कि यहाँ पे यू विल हैव टू गिव कोट्स वशिष्ठ, यहाँ पे यू विल हैव टू गिव कोट्स. नेमिंग विदाउट कोट्स वील कम टू दैट इन डेटा फ्रेम्स, बट यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो ये चीज, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पूरा देना पड़ेगा. एंड हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो एज डॉट मेट्रिक्स, यस एज डॉट मेट्रिक्स देखो, इट्स द सेम थिंग. एज डॉट मेट्रिक्स यूज कर सकते हो, आपको अगेन दिस एक्स इज जस्ट द डेटा एक्चुअली. ठीक है, एक्स इज द आर ऑब्जेक्ट, विच मीन्स कि आप एक वेक्टर पास कर सकते हो. आप जनरली वेक्टर को अगर आप वैसे चेंज करना चाहते हो, तो यू विल जस्ट पास द वेक्टर नेम इधर एज डॉट मेट्रिक्स. दिखा देती हूँ मैं, एज डॉट मेट्रिक्स. तो इसमें क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट मैंने वी पास करा विच वॉज द वेक्टर, बाय डिफॉल्ट एक सिंगल कॉलम आया एंड इतने सारे रोज आ गए. सो अगेन यहाँ पे यू कैन मेंशन एन रो, एन कोल एंड ऑल ऑफ दैट. क्लियर है? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? देवांश ने. ओके, सो यस यू कैन डू दिस. इसमें यू कैन पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एज वेल. सो द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर हमने देख लिया. देन इफ यू वॉन्ट टू गेट, जैसे डायमेंशन मिले हमें, इफ यू वॉन्ट टू गेट द रो नेम्स एंड कॉलम नेम्स, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं डिम नेम्स. डिम नेम्स हम फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हम लिखेंगे मैथ 5. तो देखो अगेन ये इस तरीके से क्यों आ रहे हैं, ये हम समझेंगे जब हम लिस्ट फंक्शन लिस्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे. बट अभी के लिए खाली ये समझो दैट दीज आर द रो नेम्स एंड दीज आर द कॉलम नेम्स. ये ऐसा क्यों आ रहा है, आई विल कम टू इट जब हम लोग व्हाट आर लिस्ट्स करेंगे. क्लियर है? सो यू गेट द रो नेम्स एंड यू गेट द कॉलम नेम्स यूजिंग द डिम नेम्स फंक्शन. ओके, सो आफ्टर दिस आई होप यहां तक सबको क्लियर है. After this, we were talking about ki matrix mein you can just have a single type of data type, as in khali numeric ho sakta hai ya khali character type ho sakta hai ya khali logical ho sakta hai, whatever it is. So we call it as again coercing to same data type. मैंने V1 बना रखा है, V बना रखा है, तो चलो हम V1 बना लेते हैं. इसमें हम ले लेते हैं A, B, C, एंड ऐसे भी ले लेते हैं, चलो 1, 2, 3. ठीक है, तो ये मैंने V1 बना लिया. अब इसका मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करते हैं. V1 n रो दे देते हैं 2. ठीक है, 2 रोज. लेट अस रन दिस. द मोमेंट यू रन दिस देखो क्या आ रहा है, ए बी सी 1, 2, 3. बट इफ यू ऑल कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि ये वाले जो थे कैरेक्टर थे तो कोट्स में आ रहे हैं, अभी 1, 2, 3 भी कोट्स में आ रहे हैं. सो इसको अगर हम असाइन कर दें मैथ 6 में एंड हम अनएक्सपेक्टेड न्यूमेरिक कांस्टेंट, ओ मैंने इधर गैप दे दिया भूल से. सो नेमिंग कन्वेंशन होता है, हम गैप नहीं दे सकते नेम्स में, तो ये हो गया. नाउ इफ आई जस्ट से इज डॉट न्यूमेरिक एंड इसमें मैं मैथ 6 पास करूं, तो आई विल गेट फॉल्स. अगर मैं इस डॉट कैरेक्टर पास करती हूं मैथ 6, आई विल गेट ट्रू. क्लियर है? कोर्सिंग टू सेम डेटा टाइप. इट्स एग्जैक्टली सेम इन केस ऑफ वेक्टर्स, कि ये सेम डेटा टाइप में चेंज हो जाएगा.
अगर आप लॉजिकल भी इसमें डाल दोगे वो लॉजिकल भी क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर में। अगर आप नंबर प्लस लॉजिकल कर रहे हो तो वो लॉजिकल नंबर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? कोर्सिंग टू सेम डेटा टाइप। तो अगर हम मैथ 6 का स्ट्रक्चर करें अभी निकाले, ठीक है, तो देखो क्या आ रहे, कैरेक्टर कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ इंटीजर आई एम गेटिंग अ कैरेक्टर, टू रोज थ्री कॉलम्स एंड दीज आर द वैल्यूज। आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में पूछ लो। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस वॉज वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स। अब अगर आपको सपोज वी हैव मैथ 5 विद अस, ऐसा नाउ वी हैव टू मे बी अपेंड वन मोर कॉलम टू इट और वन मोर रो टू इट। तो इंस्टेड ऑफ अगेन यूजिंग द मैट्रिक्स फंक्शन हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे आर बाइंड या सी बाइंड। नाउ व्हाट इज आर बाइंड एंड सी बाइंड? आर बाइंड एंड सी बाइंड होते हैं रो बाइंडिंग एंड कॉलम बाइंडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। सो दिस इज व्हेन यू हैव टू बाइंड द रोज एंड कॉलम्स टू अ मैट्रिक्स। तो सपोज मेरे पास एक नया वेक्टर है v2 ऑफ मे बी 1 ले लेते हैं, चलो 1, 2, 3 and 4, ठीक है। तो ये चार हमारे उसमें वैल्यूज हैं एंड ये जो v2 मेरा जो एक मैंने नया वेक्टर बनाया है, इस वेक्टर को या फिर मैं ले लेती हूँ उसको इंस्टेड ऑफ v2 r4 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक नया वेक्टर बनाया है r4 विद दीज वैल्यूज। अब मुझे ये r4 इस मैट 5 में नीचे में अपेंड करना है। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज वी यूज द फंक्शन आर बाइंड। आर बाइंड फंक्शन देखो कैसे यूज करते हैं। सो यू हैव सी बाइंड एंड आर बाइंड टुगेदर, उसमें फर्स्ट यू गिव ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स और मैट्रिसेस व्हिच यू हैव टू बाइंड टुगेदर। तो यहाँ पे आई विल जस्ट सिंपली राइट आर बाइंड एंड आई विल राइट मैट 5 कॉमा r4। देखो मैट 5 क्या था, यहां तक मैट 5 था मेरा, है ना, 3 rows 4 columns। ये जो r4 है ये नया से अपेंड हो गया, विच इज दिस। एंड अगर एक चीज आप लोग समझो, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, मैंने इसको कोट्स में पास नहीं करा, आई हैव जस्ट पास्ड इट लाइक दैट। इसका नेम जो था ना r4, वो अपने आप यहाँ पे एज अ नेम आ गया। आपको ना ही डिम नेम्स यूज करना पड़ा, आपको ना ही रो नेम्स फंक्शन यूज करना पड़ा, इट जस्ट टुक द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एज द रो नेम। दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आर बाइंड। अगर हमारे पास 5 अलग अलग वेक्टर्स होते हैं एंड हमें एक मैट्रिक्स बनाना होता है, वी कैन डायरेक्टली यूज अ आर बाइंड और सी बाइंड एंड वी कैन क्रिएट अ मैट्रिक्स आउट ऑफ इट। अगर आपके पास 2 अलग अलग वेक्टर्स होते तो आप उसको भी आर बाइंड यूज करके, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ r5, ध्यान से समझो, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस व्हिच कैन कम अप, r5। अब मैंने आर बाइंड यूज करके r4, r5, सो दिस वे इट विल क्रिएट अ न्यू मैट्रिक्स विद दीज 2 रोज r4 and r5। ठीक है ये चीज, पर मैट 5 अभी भी सेम है, ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको किसी में असाइन नहीं करा है, राइट, मैंने अभी तक इसको असाइन नहीं करा है। मैट 5 हमारा अभी भी यही है, तो आप इसको मैट 5 में असाइन भी कर सकते, यू कैन असाइन दिस विद इन मैट 5 एज वेल।
और अगर आप ये अगर आपको दो मैट्रिक्स को साथ में जोड़ना है तो भी आप आर बाइंड या सी बाइंड यूज कर सकते हो। अगर आपका ये मैट 5 है, अगर आपने इसको नाम दे दिया, लेट अस सपोज क्या नाम दे, एम दे देते हैं खाली अभी के लिए, ठीक है। तो मुझे मैट 5 एंड एम को साथ में बाइंड करना है, या फिर एम 4 और मैट 4 और एम को, वट एवर। तो मैं अगेन आई कैन यूज आर बाइंड एंड आई कैन राइट मैट 4 एंड एम। सो दिस वॉज मैट 4 एंड दिस इज एम। दिस वॉज मैट 4, 3 रोज 4 कॉलम्स जो पहले बना रहे थे, और इसके साथ मैंने एम को आर बाइंड कर दिया। और एम क्या था मेरा, 2 रोज 4 कॉलम्स, तो उसको मैंने नीचे में बाइंड कर दिया। अब अगर आप पूछोगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम नहीं हो, नंबर ऑफ रोज अगर सेम नहीं हो, तो एरर आएगा, राइट। तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे आई शो यू दिस वे, अगर मेरा आर 4 में 4 वैल्यूज है, आर 5 में 3 वैल्यूज है, एंड मैं इसका आर बाइंड करूं, तो क्या होगा, करके देखते हैं, ये रन करते हैं, क्या हो गया देखना। 1 2 3 4, मैंने इसको रन नहीं किया, सॉरी। अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये 5 फिर से क्या हुआ, क्या हो गया, ये 5 रीसाइकल हो गया, रीसाइकल हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ रिजल्ट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द वेक्टर लेंथ। आर्ग्यूमेंट 2, यानी कि ये वाला जो है, दिस इज ऑफ नॉट अ सेम लेंथ ऑफ दिस, और ये मल्टीपल भी नहीं है, तो पूरे तरीके से भी रिसाइकल नहीं हुआ। इज इट क्लियर? अगर आप अनइक्वल लेंथ को भी आर बाइंड करोगे, हो जाएगा जो छोटा वाला वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। यस देवांश, मैम, अगर सारे वैल्यूज मतलब 1 से लेकर 8 तक वैल्यूज अगर R4 के अंदर होती, और अगर हम लोग उसको एम के मेट 5 बाइंड करते, तो उस केस के अंदर रोज का नेम क्या आता? ठीक है, मैं बताती हूँ। सो देवांश इज आस्किंग कि अगर हम सपोज एक बना लेते हैं R6, अभी आप ये पूछ रहे हो ना 1 से लेके 8 वैल्यूज होने चाहिए इसमें, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। एंड फिर इसको अगर मुझे आर बाइंड करना है मैट 5 के साथ, इज दिस व्हाट यू आर आस्किंग। तो देखो क्या यस हुआ, मैम, कट हो गया। अगर रिसाइकल नहीं हो पाते तो कट हो जाती। व्हाट हैपेंड, ये था हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैट 5, हमने चेंज कर दिया था ना, R4 हमने ऐड कर दिया था, तो ये था हमारा एग्जिस्टिंग मैट 5। इसमें R6 ऐड हो गया, बट जो 4 वैल्यूज हैं और वो अभी चले गए। सो वार्निंग में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द रिजल्ट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द रिजल्ट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द वेक्टर लेंथ आर्ग्यूमेंट 2। मतलब ये जो है हमारा, ये रिपीट नहीं हो पाया, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। नंबर ऑफ कॉलम्स शॉर्ट पड़ गए, तो इसीलिए वी जस्ट टुक द फर्स्ट 4 वैल्यूज, नेक्स्ट 4 वैल्यूज जो थे वो नहीं है। तो मैम अगर मल्टीपल होगा तो भी वो लेगा नहीं वैल्यूज? क्योंकि वो नेक्स्ट रो में नहीं जा सकता ना, वो किधर जाएगा, वो दूसरा कॉलम्स भी नहीं क्रिएट कर सकते, हाउ कैन इट क्रिएट मोर कॉलम्स यहाँ पे। एंड वो दूसरे रो में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमने तो खाली एक रो ऐड करने के लिए बोला है, एक ही ऑब्जेक्ट डाला है हमने, तो वो दूसरा रो भी नहीं बना सकता, वो दूसरा कॉलम भी नहीं बना सकता, तो वो वैल्यू जाएगा कहाँ, सो इट विल नॉट कम। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये रिसाइकल हो गया था ये वाला चीज, तो मैं काम करती हूँ फॉर योर क्लैरिटी, ताकि आप लोग आगे कर लो इसको ठीक से। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन?
इस केस में आपको एक वार्निंग आ रहा था कि वो रिसाइकल, मतलब वो रिसाइकल तो हो रहा था बट आपको एक वार्निंग आ रहा था, इस केस में रिसाइकल नहीं होगा, कटआउट हो जाएगा वाली। प्लीज कोई भी डाउट है तो पूछो, आई एम गोइंग वेरी स्लो इन दिस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम। सो मैट्रिक्स कैन बी मेड ओनली बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स। हाँ यस, इट कैन बी मेड बाय द ओनली यूज ऑफ वेक्टर्स, बट हमने मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस भी किया है। ये देखो, ये हमारे दो मैट्रिक्स थे जिसको मैंने मिलाया, एम वॉज अ मैट्रिक्स, मैट 4 वॉज अ मैट्रिक्स। तो यहाँ मैंने मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस भी बनाया। मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस बनाने के लिए आपको या तो आर बाइंड, अब हम पढ़ेंगे सी बाइंड, जस्ट लाइक आर बाइंड सी बाइंड इज व्हेन यू बाइंड द कॉलम्स। तो लेट मी क्रिएट अ न्यू कॉलम C5, इसमें हम वैल्यूज अगेन दे देते हैं 9, लेट मी जस्ट गिव 999। करेंटली मेरा मैट 5 कैसा दिखता है मैं एक बार बस देख लूं। तो दिस इज माय मैट 5, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। लेट मी क्रिएट अ न्यू वेक्टर C5 एंड मैं अब यूज करती हूँ सी बाइंड एंड इसमें मैं डाल देती हूँ मैट 5 के साथ C5। अगेन द सेम थिंग, अगर आप यहाँ पे ज्यादा ले लोगे वैल्यूज, ठीक है, मैंने 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज ले लिया, अभी रन करोगे तो आपका देखो वैल्यू कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आपका कट ऑफ हो जाएगा। एंड अगर कम लोगे तो क्या होगा, रिसाइकल। कम लोगे तो क्या हो जाएगा, रिसाइकल। सपोज आपने खाली 2 वैल्यूज लिया इधर, ठीक है, मैट 5 में यू हैव 4 रोज, मैट 5 में यू हैव 4 रोज, आप कॉलम जो डाल रहे हो उसमें आप खाली 2 वैल्यू ले रहे हो, बाकी 2 वैल्यू कहाँ से आएगा। सो बाकी 2 वैल्यू क्या हो जाएगा, रिसाइकल। एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी वार्निंग क्योंकि पूरी तरीके से रिसाइकल हुआ है। अगर 3 वैल्यूज होता तो आपका वार्निंग मैसेज आता। क्लियर है? ऑल्सो मेक अ नोट कि जो यहाँ पे C5 है वो एज अ कॉलम नेम अपने आप आ जाता है। यू आर गेटिंग अ वार्निंग, इट इज गेटिंग रिसाइकल्ड बट यू आर गेटिंग अ वार्निंग। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मेट्रिसेस, अभी खाली हमारा इंडेक्सिंग बचा हुआ है मेट्रिसेस में एंड डिफरेंट ऑपरेशंस थोड़ा बहुत, एंड देन टुडे वील डू एरेज। एरेज इज अ 10 मिनट्स 15 मिनट्स का टॉपिक। देन टुमारो वील बी डूइंग डेटा फ्रेम्स एंड लिस्ट, उससे हमारा सारा ऑब्जेक्ट एक बार के लिए खत्म हो जाएगा। वील जस्ट हैव यूजर डिफाइंड फंक्शन विच वी कैन डू इन द नेक्स्ट क्लास। मेघा इज आस्किंग मैम, इफ वी हैव टू एड 2 रोज देन वी विल यूज आर बाइंड ट्वाइस। नहीं मेघा, मैंने यहाँ पे किया ना, मैंने यहाँ पे R4 R5 करा, सी आर बाइंड आप एक साथ कर सकते हो। मैट 1 फॉर एग्जाम्पल, मैट 1 मैं दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। मैट 1 में दिखा देती हूँ ऐसा दिखता है, देख लो 3 रोज 4 कॉलम्स। इसके साथ आई विल बाइंड R4 एंड R5, कोई इश्यू नहीं है। R4 एंड R5 अपने आप बाइंड हो गया, देखो। ये क्योंकि लेंथ इसका 3 था इसीलिए यहाँ पे हमें वार्निंग मिला है। R5 का क्योंकि लेंथ 3 था इसीलिए हमें वार्निंग मिला। अगर मैं R5 इसको वापस रन करके ये रन करूं, ठीक, आप इसमें कितना भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हो मेगा, यू कैन पास एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप इसमें मैट 5 भी डाल सकते हो इधर, यू डोंट हैव टू यूज इट ट्वाइस।
ma'am, what if we add a row between two rows? नहीं वो चीज नहीं हो सकता है, वंशे का वो नहीं हो सकता. अगर आपका एग्जिस्टिंग एक मैट्रिक्स बना हुआ है, अगर आपका ये एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स बना हुआ है एंड सपोज आपको आर टू एंड आर थ्री के बीच में एक नया रो डालना है, यू हैव टू रन मैट फाइव वापस से, आपको मैट्रिक्स फंक्शन वापस रन करना पड़ेगा. या फिर आपको ये वैल्यूज को चेंज करने पड़ेंगे. सपोज आप बीच में ऐड नहीं कर सकते हो. कैन वी राइट आर बाइंड? यस यू कैन डू दैट दिवांश, बिकॉज अगेन यू जस्ट हैव टू पास अ वेक्टर. तो आप खुद से ट्राई करो, आप वो कर सकते हो. सो इज इट क्लियर? सी बाइंड आर बाइंड, आप कितने भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बाइंड कर सकते हो. यहाँ पे इफ आई कुड हैव जस्ट डन P6 एंड मैं लिखती इधर सपोज 1 1 1 एंड 1, एंड अगर मैं सी बाइंड में इधर C6 डालती तो वो भी हो सकता था. ठीक ठीक है. सो नो इशू, आप कैसे भी इसको कर सकते हो. देख लो कितना भी नंबर ऑफ रोज, कितना भी नंबर ऑफ वेक्टर्स यू कैन पास, कितना भी नंबर ऑफ मैट्रिसेस यू कैन पास. इफ यू वांट टू पास टू मैट्रिसेस टुगेदर दैट आल्सो यू कैन डू. सी आर बाइंड करते हैं मैट 4 को या फिर मैट 1 को एंड मैट 5 को. एक्चुअली अभी वो सेम डायमेंशन का है नहीं, तो आई थिंक वील गेट एन एरर. बट सी ये कैसे अपने आप इतने अच्छे से, मैट 5 में जो एक्स्ट्रा कॉलम्स थे वो नहीं आ रहे अभी. मैट 5 में आई थिंक वी हैड एक्स्ट्रा कॉलम्स, वो एक्स्ट्रा कॉलम्स नहीं आ रहे. नहीं 4 कॉलम्स थे, चलो ग्रेट. सो मैट 1 वॉज, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. मैट 1 देखो कैसा दिखता है. यू हैव 3 रोज, यू हैव 4 कॉलम्स. ठीक है. मैट 5 कैसा दिखता है, यू हैव 4 रोज एंड यू हैव 4 कॉलम्स. तो यहाँ पे भी यू हैव 4 कॉलम्स, यहाँ पे भी यू हैव 4 कॉलम्स. तो जब इन दोनों को आर बाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये मैट 1 है, इसके ठीक नीचे पूरा मैट 5 आ जाएगा. ये वाला मैट 1 है, इसके ठीक नीचे वापस से मैट 5 आ जाएगा. बट ये जो नेम्स हैं वो अब चेंज हो जाएंगे, अब वो C1 C2 C3 C4 अपने आप हो जाएंगे. देखो ये था मेरा पूरा मैट 1, ये हो गया मेरा मैट 5, ये हो गया मेरा पूरा मैट 5 एंड ये नेम्स अपने आप चेंज हो गए. दिस वॉज मैट 1, दिस इज मैट 5. क्लियर है ये चीज? यस दिवांश, यू कैन डू दैट एज वेल. क्लियर है? आप खुद से भी ट्राई करो दिवांश, ये सारे जो आप पूछ रहे हो यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन. दीज आर जस्ट द वेक्टर्स व्हिच यू आर आस्किंग मी, यू कैन पास एनी वेक्टर. ठीक है, गिव मी अ थम्स अप अगर ये क्लियर है यहाँ तक. सी बाइंड एंड आर बाइंड. सी बाइंड इज व्हाट, कॉलम बाइंडिंग कर रहे हो आप, नंबर ऑफ वेक्टर्स दे सकते हो, आप मैट्रिसेस दे सकते हो एंड साइड बाई साइड उसको बाइंड कर सकते हो. आर बाइंड इज जहाँ पे आप रोज को बाइंड कर रहे हो, आप नीचे नीचे बाइंड करते हो. ठीक है, एंड वो अपने आप रो नेम्स आ जाता है, अपने आप कॉलम नेम्स आ जाते हैं. क्लियर? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन मूव टू इंडेक्सिंग. Okay, so after this we move to indexing. Now indexing बहुत ही interesting होता है of matrices and it is very important. अगर आप आज का class समझ रहे हो तो आपको data frames में कोई दिक्कत नहीं होगा. तो please आज एकदम ध्यान से सुनो. So suppose I have mat
फोर हम ले लेते हैं एक बार के लिए. दिस इज माई मैट फोर. मैट फोर इज थोड़ा कंफ्यूजिंग. मैट थ्री ले लेते हैं. ओके मैट फोर में दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स. नाउ इफ आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, एक बार मैं मैट वन से कराती हूँ फिर मैं दूसरे से कराऊंगी. सो वी हैव फोर कॉलम्स एंड वी हैव थ्री रोज एंड आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट द फिफ्थ, ये वाला वैल्यू विच इज देयर इन विच कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो. तो अब इसको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, ध्यान देना. इसको आप यू हैव टू मेंशन, क्योंकि आपके दो डायमेंशन है ना, सिंगल डायमेंशन नहीं है, दो डायमेंशन है. तो अब आपको रो नंबर एंड कॉलम नंबर दोनों देना पड़ेगा. तो रो नंबर इज टू, कॉलम नंबर इज टू, आ गया फाइव. क्लियर है? एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस रिप्रेजेंटेशन कैसे. मैट वन, सपोज मुझे चाहिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम. आई वॉन्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम. तो मुझे सारे रोज चाहिए. सो आई विल जस्ट गिव अ कॉमा एंड आई विल राइट वन. इसका क्या मतलब है? ऑल रोज कॉमा, अगर मैं कुछ नहीं दू इधर, वी कीप जस्ट अ ब्लैंक इधर, ऑल रोज फर्स्ट कॉलम. दिस वॉज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. दिस ब्लैंक मीन्स ऑल रोज फर्स्ट कॉलम. इसको रन करते हैं एंड देखो क्या आ गया, वन टू थ्री. एज अ वेक्टर आएगा ये, ठीक है. बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये साइन का मीनिंग क्या है. दिस मीन्स ऑल रोज फर्स्ट कॉलम, ऑल रोज सेकेंड कॉलम. सिमिलरली इसका क्या मीनिंग है, फर्स्ट रो ऑल कॉलम्स. फर्स्ट रो ऑल कॉलम्स, फर्स्ट रो ऑल कॉलम्स. क्लियर है? क्लियर है सबको? एक बार थम्स अप दे दो सब लोग प्लीज. सो वी हैव दिस इंडेक्सिंग डन, ठीक है. इसके बाद अगर हमें, नाउ यू हैव द स्पेसिफिक ऑल्सो, अगर हमें निकालना है सपोज दीज टू वैल्यूज, ध्यान देना. इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं आएगा ये तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगा. वी हैव दीज टू वैल्यूज, वी हैव सेकेंड रो थर्ड एंड फोर्थ कॉलम. तो सबसे पहले तो हम रो नंबर पास करते हैं विच इज सेकेंड एंड देन कॉलम थ्री एंड फोर. तो हम लोग कैसे पास करेंगे थ्री एंड फोर, कैसे पास करेंगे बताओ? करेक्ट, सी फंक्शन यूज करके थ्री कॉमा फोर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यू आर गेटिंग एट एंड इलेवन, या फिर क्या कर सकते हैं, थ्री कोलन फोर, ठीक है. ओके अब अगर मुझे निकालना है ऑल द वैल्यूज सपोज एक्सेप्ट द सेकेंड रो, all the values except the second row, तो कैसे निकालेंगे देखो. all the values except the second row, तो minus two comma पूरा, मतलब कि सारे columns, सारे columns and minus two, देख लो. जो second हमारा column था ये अभी भी two आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बिकॉज दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अनदर मैट्रिक्स विच यू आर गेटिंग. बट अभी वो वन के बाद टू वाला जो रो था ना, टू फाइव एट इलेवन, वो वाला हमारा पूरा रो चला गया. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि हमें सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम नहीं चाहिए, सेकेंड रो
एंड फोर्थ कॉलम नहीं चाहिए तो भी आप ऐसे कर सकते हो, सेकेंड रो भी नहीं आ रहा एंड फोर्थ कॉलम भी नहीं आ रहा, ठीक है। आप सी फंक्शन यहाँ पे भी लगा सकते हो, रोज में भी सी फंक्शन लगा सकते हो। मैम व्हाई कांट वी डू मैट एंड ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं? वंशिका मैंने कभी भी आपको इंडेक्सिंग में एंड ऑपरेटर कराया है? एंड ऑपरेटर इज इंटायरली फॉर समथिंग एल्स। आप ये यूज कर सकते हो सीक्वेंस ऑपरेटर, आप सीक्वेंस ऑपरेटर कोलन यूज कर सकते हो, एंड ऑपरेटर थ्री एंड फोर जब पास करोगे तो उसका क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है, नहीं करोगे, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। चलो सो यू हैव दिस, टू और फोर। हाँ इसमें क्या, इसमें सेकेंड वाला रो नहीं आ रहा है, ये मत कंसिडर करो, ये टू को मत कंसिडर करो। सेकेंड रो क्या था हमारा? दिस वॉज द सेकेंड रो, सेकेंड रो नहीं आ रहा, फोर्थ कॉलम भी नहीं आ रहा, यही तो होना चाहिए था। सेकेंड रो भी नहीं आना चाहिए और फोर्थ कॉलम भी नहीं आना चाहिए। आप कभी भी मैट्रिक्स में खाली एक वैल्यू को नहीं हटा सकते हो। अगर आप बोलोगे फाइव को हटा के बाकी वैल्यूज निकालो तो वो आप नहीं कर सकते हो, उसको करने का अलग तरीका है, बट इससे आपका पूरा कॉलम जाएगा एंड पूरा रो जाएगा, ठीक है। नाउ सपोज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान देना, आपको सपोज नहीं पता कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है टोटल। आई एम आस्किंग यू कि आई वॉन्ट सेकेंड से लेके, सेकेंड रो से लेके ऑल द रोज, सेकेंड रो से लेके ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स, तो मतलब कि मुझे फर्स्ट रो नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे करोगे देखना, सेकेंड से लेके एन रो मैट वन, सॉरी एन रो मैट वन कॉमा, चलो ले लेते हैं थर्ड कॉलम। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स एन रो से क्या आंसर आएगा हमारा? थ्री, जितने भी आपके नंबर ऑफ रोज हैं। सो टू से लेके थ्री, मतलब टू से लेके एंड तक अगर आपके हंड्रेड रोज होते तो एंड रो मैट वन हंड्रेड आता, मतलब तो आपका टू से लेके एंड तक नंबर ऑफ रोज एंड द थर्ड कॉलम। दिस इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड, अगर आपको नहीं पता कि आपके कितने नंबर ऑफ रोज कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एंड आई एम आस्किंग यू कि थर्ड कॉलम से लेके या थर्ड रो से लेके सारे एंड तक के रोज निकालो, या सेकेंड कॉलम से लेके एंड तक सारे कॉलम्स निकालो, तो आप एंड कोल एंड रो यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो, लाइक मैट वन में हमारे इफ आई वांट ऑल द वैल्यूज विच आर सपोज लाइक दिस, सपोज आई वांट ऑल द वैल्यूज मैट वन के which are greater than equal to 3, and I want mat 1 ke all the values which are less than equal to 10. So 3 or 10 ke sare values extract ho jayenge. You can do this as well. You can use OR operator, less than khali, khali greater than, kuch bhi kar sakte. And last, hum log dekhenge ki named operator, named vectors ko kaise extract karte. Suppose math 5 agar hum le le, math 4 le le agar. So this was a named, 1, 2, 3, 4 were the names. These were the names. So isko hum kaise extract karte, math 4. And agar suppose mujhe chahiye R1. So again, hum log quotations mein pass karenge R1. First row. All the column. ये थोड़ा confusing हो रहा है, मैं mat 5 से करती हूँ. mat 5 was a simpler case. तो यहाँ पे देखो. First row. Similarly आप ऐसे भी लिख सकते हो mat 5 R1 E 4.
मनीष तुमने जो लिखा है उसका मीनिंग है सेकेंड रो को छोड़ के फिफ्थ कॉलम. मैम मीन्स एक्सेप्ट. हाँ ठीक है. यस देवांश. मैम वो मैट वन एक बार शो करके फिर वो एन रोज वाला बताओ ना, क्योंकि वो मैट वन ऊपर चला गया तो सेम टाइम पे व्यू होगा तो फिर अच्छे से पता चलेगा. मैट वन इज यू हैव थ्री रोज एंड यू हैव फोर कॉलम्स. ठीक है. नाउ अगर मुझे चाहिए कि सेकेंड रो से एंड तक सारे रोज, यहाँ पे जस्ट बिकॉज यू हैव थ्री रोज ओनली, तो मतलब कि सेकेंड से थर्ड रो. बट आपको अगर पता नहीं है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं, सो व्हाट विल यू डू इज सेकेंड से लेके सारे एंड तक ऑल द रोज एंड थर्ड कॉलम, मीनिंग दिस कॉलम एंड सेकेंड से लेके ऑल द रोज. सो क्या आएगा हमारा? 8 और 9, खाली 8 और 9 आएगा. क्लियर है अभी? ओके. ये वाला चीज भी क्लियर है. यू कैन पास, यू कैन यूज कंबाइन फंक्शन ऑल्सो. R1, R3 and other thing, all the columns. This is how you extract for named matrices. Batao, sabko clear hai ye wali cheez? If yes, the last topic, which is matrix arithmetic, hum usme different cheez dekhenge, kaise hum matrices mein प्लस माइनस एंड ऑल कर सकते हैं. तो जैसे हमारा एक मैट्रिक्स है, ले लेते हैं मैट 5. अगर हम, दिस इज मैट 5, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स इज समथिंग व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज and equal number of columns. तो ये चीज आप ध्यान रखो, it has equal number of rows and equal number of columns. तो इसमें अगर अब हम मैट 5 में सपोज कुछ एक नंबर एड करें, फॉर एग्जाम्पल +4, तो क्या होगा? हर एक एलिमेंट में 4 एड हो जाएगा. देखो डिफरेंस, देखो 1, 5, 2, 6, हर एक एलिमेंट में क्या हुआ? 4 ऐड हो गया. सिमिलरली आप माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. एलिमेंट वाइज वो डिवाइड मल्टीप्लाइड हो जाएगा. एलिमेंट वाइज क्या हो रही है ये चीज? अगर आपको दो डिफरेंट मैट्रिसेस को ऐड करना है, सपोज वी हैव मैट 4. Let me increase the size of my console ताकि आपको ये clear होता है. So I have mat 4. I have 4 columns. ध्यान देना, I have 4 columns and I have 3 rows. Mat 5 में मेरे पास क्या था? 4 rows and 4 columns. So just the difference is, this is the difference. इसमें 3 rows हैं, इसमें 4 rows हैं. This is the difference. अब इन दोनों को add करते हैं, देखते हैं क्या होता है. Mat 4 and mat 5 को हम add करें. This are non-conformable arrays. मतलब कि दोनों का dimensions same नहीं है. तो आप दो matrices को अगर add करना चाहते हो, subtract, divide, multiply, कुछ भी करना चाहते हो, so both the matrices should be of the same order. मतलब number of rows and number of dimensions मतलब same होने चाहिए. So should be of same dimensions. Here mat 3 हमारा था. Okay, mat 3 से नहीं try करते हैं. I hope to नहीं, कोई बात नहीं. So we can just mat 1 and mat 4 pe we can try. So mat 1, if you see, we have 4
कॉलम्स, मैट फोर में वी हैव फोर कॉलम्स, यहाँ पे वी हैव थ्री रोज एंड यहाँ पे अगेन वी हैव थ्री रोज, सो कैन वी एड दीज नाउ, कैन वी एड दीज नाउ, यस एब्सोल्यूटली, वन प्लस वन टू, टू प्लस फोर सिक्स एंड सो ऑन, क्लियर है? You can only add subtract matrices of same dimensions. It should always be of same dimensions. Now, there are few very important functions to use. Like agar mat 5 agar hum lapas se le, agar ab aapko column ke sare column ke sums chahiye ya sare rows ke sum chahiye. So for that you don't have to sit and add. You can use the function called row sums, capital S hai yaad rakhna, ye wala capital S hai, and you just pass mat 5. So ye kya hua? Aapke sare rows ke sums aa gaye. Similarly, you have col sums, mat 5, and similarly there is something called row means. Again, capital M. Whole means bhi hota hai, row means bhi hota hai. Theek hai? These are the means of all the rows. These are very important when you are doing data analysis of your data which you get. Agar aapke paas columns hai, rows hai, aapko unka mean, sum and all nikalna hai. Toh us case mein we use row sums, col sums, row means, col means and so on. So basically, ये हैं हमारे स्केलर ऑपरेशंस, ठीक है, जहाँ पे अगर आप एक सिंगल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो सारे एलिमेंट से ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऑफ द एंटायर मैट्रिक्स. अगर आपको दो मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मैट्रिक्स ऑपरेशन साथ में करना है, तो इट शुड ऑलवेज बी ऑफ सेम डायमेंशन, वेदर यू आर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, व्हाटएवर इट इज, ठीक है. मल्टीप्लाई अगर आप करते हो ना, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, मैट वन एंड मैट फोर था ऑफ सेम लेंथ, सो मैट वन मल्टीप्लाई मैट फोर, ये क्या होगा, इसमें एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. अगर आपको करना है लेट अस सपोज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, किसी को याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इधर? इफ नॉट कोई इशू नहीं है. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता था सपोज हमारे पास, एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में इफ यू रिमेम्बर हमेशा हमें क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स ऑफ. तो अगर आपको ये चीज याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू हैव दीज मैट्रिक्स आर वन सी वन, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक दूसरे मैट्रिक्स से, तो हमेशा इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है शुड बी सेम एज इसका नंबर ऑफ रोज. ये चीज याद है सबको? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, P1 should be equal to, if I am correct, please, if I am wrong, मुझे करेक्ट करो. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए हम ये नहीं यूज करते, वी हैव अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर, परसेंटेज स्टार परसेंटेज. तो सपोज आपको मैट वन एंड मैट फोर को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, मैट वन एंड मैट फोर, लेट अस सी उसका होता है कि नहीं. अगेन वी हैव फोर कॉलम्स एंड थ्री रोज दोनों में, इसका अगर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है सो वी कैन डू मैट वन. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ये हमारा ऑपरेटर होता है एंड मैट फोर. एरर आ रहे हैं, नॉन कन्फर्मेबल आर्ग्यूमेंट्स, बाय because it should have been of the same length, है ना? इसके number of columns should be of same as इसके number of rows. तो यहाँ पे we have four columns. Let me try it with M5, mat 5 क्या था हमारा?
फोर कॉलम्स, ठीक है, तो हम मैट वन एंड मैट फाइव पे ट्राई कर सकते हैं. प्लीज ध्यान देना इधर. फॉर दोज हु रिमेंबर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, फॉर दोज हु डोंट यू कैन रिवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एंड देन यू कैन कम बैक टू इट. अगर आपको इसमें कुछ इतना खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यू कैन स्किप इट, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. जस्ट दैट आप मैट्रिसेस में हम लोग डील करें, सो वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अगर कभी बाय चांस वी हैव टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस तो क्या करना पड़ेगा. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर डूइंग CS2, नॉट फॉर दोज हु आर नॉट इन टू सो मच मैथमेटिक्स. रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू कॉलम्स इन द अदर मे बी. Yeah, maybe. So let us try with mat 1 and mat 5 and let us check. Let us try with mat 5 and mat 1 and check. Aagya? So iske number of columns should be equal to iske number of columns should be equal to iske number of rows. We have 4 rows and yahan pe we have 4 columns. Clear hai matrix multiplication hota kya hai? Ye pura cheez इससे मल्टीप्लाई ऐड होगा. 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 1 यू गेट 94 एंड सो ऑन. दैट वाज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. इफ यू यूज दिस सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला साइन जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, आपका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा, बट यहाँ पे आपका प्रॉपर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा. अगर आपको ट्रांसपोज करना है कोई मैट्रिक्स, मतलब अगर आपको इसके रोज को कॉलम में चेंज करना है, ट्रांसपोज करना है, तो अगर आपको यूज करना पड़ेगा जस्ट टी फंक्शन मैट 5. क्या हुआ देखो, दिस वाज माय मैट 5. अभी क्या हो गया देखो, C1, C2, C3, C4. सो बेसिकली ऑल द रोज, दिस वाज द रो. 1, 2, 3, 4 वाज द रो. अभी ये रो क्या हुआ, एक कॉलम में चेंज हो गया. क्लियर? मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोज बेसिकली. सिमिलरली दिस इज अ लिटिल, वुडंट वी गेट द सेम रिजल्ट बाय रोज? यस, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कैसे आप मैट्रिक्स, आपको देखो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा मेघा, बट आपको वापस से जाके ऊपर में मैट 5 को रन करना पड़ेगा ना, पूरा मैट्रिक्स फंक्शन आपको रन करना पड़ेगा. अगर आपको वो चीज नहीं करना, आपको सिंपली ट्रांसपोज करना है, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बताया. नेक्स्ट इज अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर आपको ये सब चीजें याद नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, आप थ्योरी जाके पढ़ लो एक बार इसका. इवन इफ you can just simply ignore it, because determinant is again not so important. Determinant and inverse of a matrix, if you all remember your mathematics from class 12, so ye hota tha only for the square matrix. Ye hota tha only for the square matrix. So mera mat 5 is a square matrix, which is number of rows and number of columns are same. So hum isme use karenge det function mat 5. जीरो आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट. हो सकता है जीरो आ सकता है, ठीक है. एंड टू गेट द इनवर्स हम लोग यूज करते हैं सॉल्व फंक्शन. अगेन यू नीड टू पास अ स्क्वायर मैट्रिक्स. 4x4 ही है ना, ओके, बिकॉज इनवर्स जीरो है इसीलिए हम नहीं निकाल पा रहे. इसका इनवर्स एक्चुअली जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो है, दैट इज व्हाई. लेट अस क्रिएट अ न्यू मैट्रिक्स फॉर दैट एंड देन वी कैन डू इट. सो दिस इज द वेरी लास्ट टॉपिक. वी कैन क्रिएट अ न्यू मैट्रिक्स M1 व्हिच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ट्राई करते हैं क्या वैल्यूज दे सकते हैं हम इसमें, सो दैट वी डोंट गेट अ 4 से लेके 12.
and I can use number of rows C. So M1 is my square matrix. इसका ट्राई करते हैं, लेट्स होप कि इसका आ जाए. आई होप इसका आए. अगेन वी विल गेट अ वेरी स्मॉल नंबर. ठीक है, सो मे बी आई एम नॉट एबल टू गेट अ गुड मैट्रिक्स, बट आप लोग ट्राई कर सकते हो. आप लोग कोई एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो ऐसा नंबर्स का. आई एम टेकिंग रैंडम नंबर्स एंड ट्राई करते हैं. देखो क्लियर है. सो बेसिकली मैट्रिसेस आर ऑफ टू डायमेंशंस. यू हैव नंबर ऑफ रोज, यू हैव नंबर ऑफ कॉलम्स. यू कैन क्रिएट इट यूजिंग मैट्रिक्स फंक्शन. आप उसके अंदर एक वेक्टर डालो. यू हैव टू ऑलवेज स्टेट द नंबर ऑफ रोज और द नंबर ऑफ कॉलम. एंड बाय रो ट्रू करने से क्या होगा, रो वाइज जाएगा. डिम नेम्स या फिर कोल नेम्स, रो नेम्स से आप कॉलम नेम्स, रो नेम्स दे सकते हो अपने मैट्रिक्स का. देन हमने सी बाइंड आर बाइंड पढ़ा, जिससे हम रोज अपेंड कर सकते हैं एंड कॉलम्स अपेंड कर सकते हैं. देन वी डिड अ लॉट ऑफ फंक्शंस लाइक इज डॉट मैट्रिक्स, क्लास, डिम फंक्शन, डिम नेम्स फंक्शन, रो सम्स, कोल सम्स, रो मीन्स एंड ऑल ऑफ दोस. हमने देखा कि अगर स्केलर ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, लाइक यू आर जस्ट सिंपली एडिंग समथिंग और सब्ट्रैक्टिंग, माइनस, मल्टीप्लाई, जो भी, अ सिंगल नंबर, तो वो सारे एलिमेंट्स से हो जाएगा. अगर आप मैट्रिक्स का अरिथमेटिक कर रहे हो, मैट्रिसेस का, दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो हमेशा इट शुड बी ऑफ सेम डायमेंशंस. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी द सेम. देन वी हैव समथिंग एज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. इन दिस केस जो हमारा लेफ्ट वाला मैट्रिक्स होता है, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसका नंबर ऑफ रोज शुड बी सेम. एंड देन देयर आर समथिंग कॉल्ड डिटरमिनेंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि खाली एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है. फॉर दैट यू यूज डेट एंड सॉल्व. एंड यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए यू विल यूज सिंपली टी. एंड ऑल्सो वी डिड मैट्रिक्स इंडेक्सिंग. सो दिस इज इन जस्ट हमने क्या पढ़ा है. And if you all have any questions, you all can ask. ये आज का content I know थोड़ा heavy हो गया, so I'm not going into obviously any next topic. But आज के class को अच्छे से revise करना. And मैंने खूब सारा assignments दिए इधर. I have these tasks for you. I have 1, 2, 3, 4, and 6 questions actually. ठीक है, 6 questions हैं. इन 6 क्वेश्चंस को अगर आप ट्राई करोगे, तो आई एम प्रिटी मच श्योर आपका ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. दिस इज फॉर दोज हु आर गुड विथ मैट्रिक्स, जिन्होंने पढ़ा है मैथ्स. जिन्होंने नहीं किया है, यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर थिंग. यहाँ पे एक चीज है कि इसका एम इनवर्स नहीं निकलेगा, सो दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल रॉन्ग. मैं ये वाला हटा दूंगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका आप एम इनवर्स नहीं निकाल सकते हो. अदरवाइज यू ऑल कैन डू पूरा. जस्ट दैट वन चेंज इन दिस टास्क, कि लास्ट वाला टास्क आप नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज आस्किंग फॉर एम इनवर्स, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अदरवाइज ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस बिफोर कमिंग टू द टुमारोज क्लास. अगेन वी हैव इट ऑन द सेम टाइम. And tomorrow we will start with data frames, which is very, 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 very important. क्योंकि हम लोग आगे जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब data frames में ही पढ़ेंगे. And it is very important. And उसके लिए अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपको आना चाहिए कल की क्लास के लिए. So make sure आपका everything is clear. Tomorrow I will take the doubts for this particular task and we'll move ahead with data frames. Clear? किसी को कुछ भी पूछना है, you all can just type it down in the chat box. Or you all can simply raise your hand. Yes, kisi ne I think hand raise kiya. Priyanshi, yes. Yes, miss. Miss, I had a doubt, not in this thing, but a casual doubt.
Miss, when we save a as like the combined using combined function 1, 2, 3, so uska class humko numeric aata hai. But if we save a as 1, 2, 3, matlab 1 or 3 ke beech mein hum log wo sequential operator use karte hai na, to uska class integer kyun aa raha hai? देखो इसका बहुत सिंपल रीजन है. सपोज आप लोग जब ऐसे सेव करो, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड. ए में ये न्यूमेरिक आ रहे 1, 2, 3, बट जब आप इस सेम चीज को सपोज बी को आप डाल रहे हो 1 से लेके 3, तो आपका इंटीजर आता है. दिस इज बिकॉज ये समझना 1 से लेके 3 का मतलब है कि ऑल द वैल्यूज बिटवीन 1 टू 3. तो अगर मैंने अगर हम ऑल द वैल्यूज बोले, सो इट कैन बी इन डेसिमल्स ऑल्सो, देर आर इन्फिनिटी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज विच कैन कम अप. तो इसीलिए इसको हम एज एन इंटीजर लेते हैं, नॉट एज अ डबल. न्यूमेरिक में दो चीज होता है, डबल एंड इंटीजर. तो यहाँ पे इसीलिए एज अ इंटीजर आते हैं, बिकॉज यू कैनॉट टेक इट एज 1, 1.1, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे. तो अपने आप आर क्या यूज करते हैं, इंटीजर यूज करते हैं, एंड वो बोलते हैं कि हम अपने आप इसको 1, 2, 3. दिस इज सेम एज यूजिंग दिस सीक्वेंस वाला इज 1 से लेके 3, जहां पे हमारा बाय इज 1. दिस इज सेम एज दिस. तो इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें भी इंटीजर आना चाहिए. नाउ यहाँ पे व्हाई आर यू गेटिंग न्यूमेरिक, बिकॉज यहाँ पे दिस इज बेसिकली अ डबल. यहाँ पे आप 2.3, 4.5 कुछ भी और अपेंड कर सकते हो. इन दिस केस यू कैनॉट. इसीलिए ये एक इंटीजर के फॉर्म में प्रॉपरली डिफाइन हो चुका है, एंड ये एक न्यूमेरिक के फॉर्म में. क्लियर है? यस मिस, क्लियर. यस देवांश. मैम, अगर रो नेम्स या फिर डिम नेम्स ने अगर हम लोग जितने रोज एक्चुअल में है उससे एक वैल्यू कम डाले, तो वो लास्ट रो का नाम एनए होगा? नहीं, हमने किया है ये चीज क्लास में आज. आप करना ट्राई खुद से एंड देन देखना क्या होता है. अगर आप कम डालोगे तो आपका एरर आएगा, ज्यादा डालोगे तो भी आपका एरर आएगा इन केस ऑफ डिम नेम्स. सो यू कैन ट्राई, हमने किया है क्लास में. आई थिंक यू मिस्ड दैट, सो यू कैन ट्राई दैट. ठीक है, एक बार ट्राई करो क्या आता है. एनीथिंग एल्स? सो दीज स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन विच यू हैव यू कैन ट्राई. आपको कोई रोक नहीं रहा, ठीक है? आप खुद से एकदम, जैसे कि प्रियांशी ने ट्राई किया एंड उसने पूछा, सो यू ट्राई एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट यू ऑल कैन सिंपली आस्क. ऐसे बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन है जो आप ट्राई कर सकते हो. तो आप खुद से ट्राई करो, बिकॉज क्लास में हर कुछ करना इज नॉट पॉसिबल. आई थिंक मैंने ऊपर में किया है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सर्च फॉर इट. बट मैंने करा था कहीं पे एंड वो एरर आ रहा था. डिम नेम्स के अंदर मैंने लेस नंबर of names use कर रहा था, तो वो error आ रहा था. You can repeat that. किसी को कोई और doubt है? You can raise your hands and you can ask the question. Okay. So please try the last task which is there, ये वाला. I will upload the PPT and everything. And then tomorrow, first thing is we'll discuss the doubts, and then we'll move to data frames, which are very, very, very important for our programming. Okay, thank you so much.